तो आज हम बनाने वाले हैं चीज़ पोटैटो ब्रेड रेसिपी, जिसके लिए हमने मैश पोटैटो को कर लिया है। उसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिसमें हमारा ओरिगैनो, चिल्ली फ्लेक्स और रोजमेरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ब्रेड लेंगे, स्लाइस ब्रेड, और उसके साइड्स को अच्छे से काट लेंगे चारों तरफ से। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, साइड्स को ऐसे ही काट लेना है। और साइड्स काटने के बाद हम अपने रोलिंग पिन यानी वेलन से इसे अच्छे से फ्लैट पूरा कर लेना है, पतला कर लेना है चारों तरफ से। पहले हम साइड्स इस तरीके से काटेंगे। तो साइड्स हमारे ब्रेड का कट चुका है। अब इसे हम अच्छे से रोलिंग पिन के हिसाब से, या वेलन, रोलिंग पिन बोले या वेलन, उसके सहारे अच्छे से हमें इसे पतला कर लेना है चारों तरफ से। अब जो हम पोटैटो अपना बनाए थे मैश करके, सीजनिंग वगैरह डाल के, उसे हम अच्छे से फर्स्ट लेयर उसका लगा देंगे पोटैटो का, और सेकेंड लेयर हम चीज़ का डालेंगे। हमने इसमें मैजोरोला चीज़ यूज किया है। आप अपने हिसाब से, आप अपने पसंद से कोई सा भी चीज़ ले सकते हो। तो देख सकते हो, इसी तरीके से हमें अच्छे से ये अपने लेयर को लगा लेना है। उसके बाद हम चारों तरफ से साइड्स में एक लगाएंगे, ताकि हमारा ये अच्छे से पैक हो जाए और फ्राई करते समय खुले ना। देख सकते हो आप, इस तरीके से चारों तरफ से अपने एक को लगा लेना है। देख सकते हो, इस तरीके से इसको रैप करना है। तो रैप करते समय जो हमारा साइड्स का जो भाग कुछ निकलेगा, उसे हम अपने नाइफ के सहारे काट लेंगे। और रैप करते समय आप ध्यान रखें, अच्छे से टाइट करें, ताकि हमें फ्राई करते समय कोई परेशानी ना हो। और साइड्स जो भी निकला हुआ हो बाहर, उसे हम अच्छे से काट लें, कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम पहले एक में डिप करेंगे अच्छे से चारों तरफ से। देख सकते हो आप, अच्छे से चारों तरफ से एक में डिप करना है पहले। उसके बाद एक में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ये हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स है, जो हमने मार्केट से ब्रेड ला के अपने हाथ से खुद मिक्सी में ग्रेट करके बनाया है। देख सकते हो, इसे अच्छे से चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाना है, ताकि फ्राई करने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी रहे और खाने में हमें क्रिस्पी फील हो, अच्छा लगे। इसके लिए इसे अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाना है। देख सकते हो आप, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। एक साथ सबने सबको बना लिया है, अब चलेंगे इसे डीप फ्राई करने के लिए। ये हम मीडियम ऑयल हमारा हीट हो चुका है, उसमें हमने एक एक करके डाल लेना है। और डालते ही इसे हमें नहीं पलटना है, डालने से कम 30 से 35 सेकेंड बाद इसे हम दूसरा साइड चेंज करना है। तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से 30 से 35 सेकेंड बाद हम इसका दूसरा साइड चेंज करेंगे। तो हमारा ये फ्राई हो चुका है, डीप फ्राई हो चुका है अच्छे से। अगर ये हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसी तरीके का रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।